21 अप्रैल को नासिक के द्वारका के पास जाकिर हुसैन नामक सरकारी अस्पताल में लगभग 700 मरीजों को विभिन्न कारणों से भर्ती किया गया था। इनमें से कई कोरोना वायरस के रोगी थे और इनमें से अधिकांश को सांस लेने में कठिनाई थी। उन्हें सांस लेने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। मरीजों को अस्पताल परिसर में स्थापित एक टंकी में से पाइपलाइन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान किया जा रहा था। इक्कीस अप्रैल को लगभग 12:20 पर अस्पताल के कर्मचारी एक टैंकर में से ऑक्सीजन की टंकी को फिर से भर रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था। लेकिन टंकी में लीकेज था और सफ़ेद धुएं ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। लीकेज के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिरना शुरू हो गया और मरीजों का दम घुटने लगा। अस्पताल के कर्मचारियों और दमकल विभाग के अधिकारियों ने तुरंत लीकेज को ठीक करने की कोशिश की। 30 मिनट के बाद लीकेज को रोकने में सक्षम रहे, लेकिन मरीज 30 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के थे। इसकी वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा मरीजों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बावजूद ऑक्सीजन लीकेज के कारण 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। वीडियो देखिए। वीडियो इतना खतरनाक था। डॉक्टरों ने मरीजों को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर पाए। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही और असावधानी के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर घटना के बारे में कहा, घटना दिल दहलाने वाली है। इस दुख की घड़ी में शोक संताप परिवारों के प्रति संवेदना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर रोष जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे। मुंबई के पास विरार में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। कोरोना वायरस के 13 मरीज जो आईसीयू में थे, उनकी आग के कारण मृत्यु हो गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है और जांच चल रही है। महाराष्ट्र और भारत के अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में भारी वृद्धि हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, जिससे मरीजों के इलाज में कठिनाइयां हो रही है।